श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे धृतराष्ट्र के बारे में। अगर देखा जाए तो महाभारत की नींव धृतराष्ट्र ने खुद रखी थी। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें यह अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण मिला था। धृतराष्ट्र ने गांधारी के परिवार को मरवाया था, लेकिन क्यों मिला था उन्हें अंधे होने का श्राप और क्यों मरवाया था उन्होंने अपनी पत्नी गांधारी के परिवार को, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ में धृतराष्ट्र के बारे में कुछ रोचक बातें भी बताऊंगा। भीम ने धृतराष्ट्र के प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बड़ी निर्दयता से मार डाला था। इस कारण धृतराष्ट्र भीम को भी मार डालना चाहते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सभी पांडवों ने अपने अपने नाम लिए प्रणाम किया। श्री कृष्ण महाराज के मन की बात पहले से समझ गए थे कि वे भीम का नाश करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही भीम के स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे, उन्हें क्रोध में आकर लोहे से बनी भीम की मूर्ति को दोनों हाथों से दबोच लिया और मूर्ति को तोड़ डाला। मूर्ति तोड़ने की वजह से उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वे जमीन पर गिर गए। कुछ ही देर में उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें लगा कि भीम मर गया और वे रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने महाराज से कहा कि भीम जीवित है, आपने जिसे तोड़ा है वो तो भीम के आकार की मूर्ति थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए। महाराज शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए थे, विचित्रवीर और चित्रांगद। चित्रांगद कम आयु में युद्ध में मारे गए। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर की विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवाया। विवाह के कुछ समय बाद विचित्रवीर की भी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अंबिका और अंबालिका संतान ही नहीं थी तो सत्यवती के सामने यह संकट उत्पन्न हो गया कि कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से उपाय पूछे। तब वेदव्यास से अपने दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न की। अंबिका ने महर्षि के भय के कारण आंखें बंद कर ली थी तो इसकी अंधी संतान के रूप में धृतराष्ट्र हुए। दूसरी राजकुमारी अंबालिका भी महर्षि से डर गई और उसका शरीर पीला पड़ गया तो उसकी संतान पांडु हुई। पांडु जन्म से ही कमजोर थे। दोनों राजकुमारियों के बाद एक दासी पर भी महर्षि वेदव्यास ने शक्तिपात किया था। उस दासी से संतान के रूप में महात्मा विदुर पैदा हुए। अभी एक श्राप के कारण धृतराष्ट्र अंधे जन्मे थे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा थे। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कुछ हंस की आंखें फोड़ दी जाए और उसके बच्चे को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र से पहले पांडु को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पोषण का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े हुए तो उन्हें विद्या अर्जित करने के लिए भेजा गया। धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म और नीति में पारंगत हो गए। तीनों पुत्र युवा हुए तो बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को नहीं बल्कि पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर दासी पुत्र थे। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि उनके बाद युधिष्ठिर राजा बने, बल्कि वे चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन राजा बने। इसी कारण वे लगातार पांडव पुत्रों की उपेक्षा करते रहे। अभी गांधार की राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया था। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करवाया। विवाह से पूर्व गांधारी को यह बात मालूम नहीं थी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब गांधारी को यह बात मालूम हुई तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और पति और पत्नी दोनों अंधे के समान हो गए थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। दुर्योधन सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र था। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र को अत्यधिक मोह था। इसी मोह के कारण दुर्योधन के गलत कार्यों पर भी वो मौन रहते थे।
दुर्योधन की गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। यही मोह पूरे वंश के नाश का कारण बना। अभी धृतराष्ट्र का विवाह गंधार देश की गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। यह बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश, सुबाला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली। सुबाला ने शकुनी को अपने रीढ़ की हड्डी और पासे बनाने के लिए कहे थे। वही पासे कौरव वंश के नाश के कारण बने। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने ना केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ एक ही महल में रहने लगे थे। भीम अक्सर धृतराष्ट्र से ऐसी बातें करते थे कि उन्हें पसंद नहीं थी। भीम के ऐसे व्यवहार से धृतराष्ट्र बहुत दुखी रहने लगे थे। वे धीरे धीरे 2 दिन या 4 दिन में एक बार भोजन करने लगे। इस प्रकार 15 वर्ष निकल गए। फिर एक दिन धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य का भाव जाग गया और गांधारी के साथ वन में चले गए। तो ये थे धृतराष्ट्र की लाइफ हिस्ट्री। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।